हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। आप देख रहे हैं गोभी के परांठा, मैं आपको दिखा रही हूँ। जी, आज ही की रेसिपी है ये। हम बनाएंगे गोभी के परांठे, बिल्कुल इवनली स्टफिंग करेंगे, जैसे कि आपने अभी देखी बहुत ही करारा होगा। बनाने में सबसे बड़ी खासियत है आसान भी होगा। हम इसे सिंपल रखेंगे ताकि इसके अच्छे से फ्लेवर आ सके, और इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। वैसे ही बनाएंगे जैसे ट्रेडिशनली पंजाबी परांठा बनता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें फूल गोभी चाहिए, यानी कॉलीफ्लावर। इसे आप इस तरीके से मोटे टुकड़ों में काटें, अच्छे से चेक कर लें कोई कीड़ा नहीं है, गंदी नहीं है, साफ होनी चाहिए गोभी बिल्कुल। इसे चलते पानी के नीचे अच्छे से धोएं, गर्म पानी में भी धो सकती हैं। और फिर इस तरह से किसी भी टोकरी में डालें और इसे अच्छे से इसका पानी ड्रेन कर लें, ताकि इसका साफ जो भी हो पानी निकल जाए। साथ में हमें मसालों में दोस्तों चाहिए नमक, यह अनारदाना कुटा हुआ, आप साबुत भी ले सकती हैं। अगर अनारदाना नहीं है तो आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा साबुत धनिया चाहिए होगा, मैं बीज है धनिया के, ये बहुत अच्छा क्रंच देते हैं, पंजाबी परांठों में ज़्यादातर ऐड किए जाते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, अदरक चाहिए होगा बारीक कटा हुआ। अदरक और गोभी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बारीक नहीं काटना चाहती तो मोटा मोटा कद्दूकस करें, बारीक कद्दूकस ना करें, नहीं तो थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी। हरी मिर्च दोस्तों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, और हरा धनिया भी। आप गोभी को इस तरीके से मोटा मोटा कद्दूकस कर सकती हैं, लेकिन बारीक ना करें। लेकिन दोस्तों, मैं इसे कद्दूकस नहीं करूंगी, मेरे पास फूड प्रोसेसर और जनरली सबके घर होता है आजकल। आप उसके चॉपिंग अटैचमेंट में, जो चॉपिंग ब्लेड है उसमें डालें गोभी के टुकड़ों को, और उससे आप इसके थोड़े बारीक और मोटे टुकड़े कर लें, ताकि जब हम परांठा बनाएं तो बहुत अच्छा बने, इसमें क्रंच आए, गोभी का टेस्ट अच्छा आए। आटा दोस्तों नॉर्मल व्हीट फ्लार है, जिसका हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस आप थोड़ा सा नमक डालकर नरम सा आटा गूंदें। कोई भी भरवा परांठा बनाएं तो दोस्तों आटा नरम गूंदें। अब आप गोभी के टुकड़े डालें फूड प्रोसेसर में और इसे चलाएं। आप दोस्तों इसे रोक रोक कर चलाएं, आप बीच बीच में चेक करती रहें कि ये बहुत बारीक तो नहीं हो गया है। तो हमने इसे रोक रोक कर थोड़ा सा चलाएंगे। इसके मोटे मोटे हमें टुकड़े चाहिए, ताकि जब हम स्टफिंग करें तो अच्छे से हो सके, बहुत मोटे भी ना हो और एकदम बारीक भी ना हो, खाने में भी अच्छा टेस्ट आए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है, बहुत फाइन भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है इसके टुकड़े, तो खाने में भी अच्छे लगेंगे और हमें जब हम स्टफिंग करेंगे तो उसमें भी ईजी रहेगा। तो देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है अपनी बारीक कटी हुई गोभी को। अब मैं इसमें सभी मसाले ऐड करूंगी। इसमें आप ऐड करें बारीक कटा हुआ अदरक, आप 2 टीस्पून के करीब इसमें अदरक डाल सकती हैं। 2 कप के करीब गोभी है कतरी हुई, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ, यानी फाइनली चॉप जिंजर। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती है, मैं खूब सारी डालूंगी। साथ में हरा धनिया और नमक भी ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। इसमें 1 टीस्पून ही मैंने साबुत धनिया ऐड किया, और लाल मिर्च आप थोड़ी ऐड करें क्योंकि हरी मिर्च भी ऐड की है। दोस्तों, यह अनारदाना, अगर अनारदाना नहीं है आपके पास तो आप आमचूर का पाउडर ऐड कर सकती हैं, चाट मसाला ऐड कर सकती हैं, नहीं तो नींबू का रस निचोड़ दें आप थोड़ा सा। अब इन सभी मसालों को आप देखिए मैंने मिक्स कर लिया है गोभी में। आप मसालों का टेस्ट एक बार ज़रूर करें, एक बार गोभी को जब भी आप स्टफिंग वाला परांठा बनाएं तो टेस्ट कर देखें। हमें आटा भी रेडी है, एक तरफ दोस्तों मैंने तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इस तरीके से एक छोटी सी लोई लें, ये देखिए मैंने पेड़ा लिया है आटे का, बहुत बड़ा नहीं है। इसे इस तरीके से थंब से मैं साइड से चौड़ा कर रही हूँ, इस तरीके से आप घुमाते हुए अंगूठे को घुमाते हुए इस तरीके से कटोरी की तरह बना लें। ये साइड से पतला है, बीच में से मोटा है। अब हम इसमें गोभी भरेंगे, मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर कर रही हूँ, क्योंकि गोभी के परांठे या कोई भी आप भरवा परांठे बनाएं तो अच्छे से स्टफिंग भरें, तभी स्वाद आता है। सूखा आटा डालें थोड़ा सा, ताकि कोई भी रस है इसमें गोभी रस छोड़ेगी तो सूखा आटा उसे अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छे से टाइटली बंद करें, हाथ से प्रेस करें। भरवा पराठे को पहले हाथ से प्रेस करें फिर बेलें, तो वो टूटता नहीं। आप एकदम से बेलन से दबा देंगी तो वो फट जाएगा। हाथ से पहले प्रेस करें और हल्का हल्का बेलन चलाते हुए आप गोल पराठा बना लें। तो देखिए, पराठा मैंने बेल कर तैयार भी कर लिया है, पराठा रेडी हो गया है। दोस्तों, पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया है। तवे पर आप एक तरफ इसे थोड़ी देर सेकें, 1 मिनट ही, और फिर पलट दें। तो देखिए, एक तरफ हमें ज़्यादा नहीं सेकना। पराठे को दूसरी तरफ अच्छे से सेकने के बाद हम इसमें लगाएंगे घी या तेल, आप अपनी पसंद से देसी घी या तेल लगाएं, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे कुरकुरा होने तक दोनों तरफ से अच्छे से सेकें। तो देखिए, गोभी का पराठा हमारा रेडी है, इसे दोनों तरफ से अच्छा करारा सेक गया। आप इसे मीडियम फ्लेम पर सेकें, आप देख सकती हैं इसमें आटे की लेयर बहुत पतली है और इसमें स्टफिंग बहुत अच्छे से नजर आ रही है, इसीलिए गोभी का परांठा खाने में अच्छा लगेगा। आप इसी तरीके से दोस्तों थोड़ा आटा लें, लेकिन उसमें स्टफिंग ज्यादा भरें और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकें करार होने तक, तो गोभी का परांठा हमेशा अच्छा बनेगा। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है आपके लिए गर्मा गर्म गोभी के परांठे। इसे मैंने सर्व किया अचार और मक्खन के साथ, आप दही भी खा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें गोभी कितने अच्छे से भरी हुई है, इसमें गोभी ज़्यादा नजर आ रही है और आटा हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
और आप इसे जल्दी बनाएंगी और मुझे बताएंगी कैसी लगी। अगली बार नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, और मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।